सो फाइनली दोस्तों टाइगर थ्री का सातवां दिन है आज, एंड आज है दोस्तों सैटरडे, जहां एक तरफ लोगों की छुट्टी, लोग घर बैठ के एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इससे बढ़िया टाइम क्या होगा। टाइगर थ्री का सातवें दिन का कलेक्शन 100% जंप, 100% ग्रोथ, अमेजिंग दोस्तों। आज ये फिल्म लगभग बहुत तगड़ा कलेक्शन करने वाली है, हर जगह फास्ट फिलिंग देखने को मिल रही है, जहां कुछ दिन पहले दोस्तों काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला, कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली। आज भाई साहब सलमान खान के फैंस को बधाई दूंगा कि भाई आज का कलेक्शन काफी सुपर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट दोस्तों सिंगल थिएटर में टिकट हाउसफुल, थिएटर हाउसफुल नजर आ रहे हैं। लाइक कमेंट करने का, वीडियो को अंत तक देखने का, एंड दोस्तों सलमान खान के फैंस से तो सपोर्ट करने का, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेल दोस्तों सबसे बड़ी खबर बता दूं, टाइगर थ्री फिल्म, जी हां दोस्तों टाइगर थ्री का आज सातवां दिन है, और जहां एक तरफ भारत में तो अच्छे कलेक्शंस कर ही रही है, लेकिन दोस्तों इजिप्ट में एक वीडियो वायरल हो रही है, इजिप्ट के थिएटर में। जी हां दोस्तों इजिप्ट के लोग भाई साहब टाइगर थ्री को ओवरसीज में थिएटर में वॉच कर रहे हैं, एंड दोस्तों आप देख सकते हो कितने ज्यादा क्रेजी लग रहे हैं। सलमान खान के फैंस हर जगह है, वर्ल्ड वाइड दोस्तों, मतलब पूरे थिएटर में लोग नाच रहे, हाउसफुल नजर आ रहा है पूरा थिएटर। और कुछ हेटर लोग पता है क्या बोल रहे हैं कि रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया, सलमान खान का कलेक्शंस फेक है भैया, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं। मैं यहां बोलूंगा हेटर लोगों को कि भैया रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता भैया, सलमान खान का कलेक्शंस रियल है भैया, ऑर्गेनिक कलेक्शंस है भैया, नॉट अ फेक कलेक्शंस। जी हां दोस्तों कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं कर रहा भाई अपना सल्लू, अगर कॉर्पोरेट बुकिंग कर रहा होता ना तो रोज 50 करोड़ दिखाता, लेकिन भाई साहब रियल कलेक्शंस है। और जो लोग ये हेटर लोग बोल भी रहे ना कि यार कलेक्शंस कम हो रहे हैं, भाई साहब कलेक्शंस कम हो रहे हैं ना इट मींस रियल है, ये रियल कलेक्शंस आ रहे हैं, कलेक्शंस कम नहीं होते। यशराज कॉर्पोरेट बुकिंग ने किया ही नहीं, सलमान खान ने कॉर्पोरेट बुकिंग किया ही नहीं, भाई साहब जो भी कलेक्शंस हो रहा है सब रियल हो रहा है। जी हाँ, और जो लोग ये बोल रहे हैं कि जो ये 18 करोड़ कमा रही है, 17 करोड़ कमा रही है, उसमें भी कॉर्पोरेट बुकिंग बता रहे हैं, तो भाई उनकी ये गलत सोच है, कृपया करके ऐसे ना सोचे। सलमान खान का कलेक्शन दोस्तों 6 दिन का कलेक्शन 200 करोड़ का नेट इंडिया में आ चुका है। इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने के लिए कम से कम 350 करोड़ का इंडिया नेट में पहुंचना बहुत जरूरी है। यूजली दोस्तों गदर 2 ने अच्छा कारोबार किया, पठान जवान जो कहा जाता है 2023 की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म है जो अच्छा कलेक्शंस की है, क्या बोलते हैं बॉलीवुड में। मैं दोस्तों कुछ लोगों ने तंज कसा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार फेक कॉर्पोरेट बुकिंग था गदर 2 का, कुछ लोगों ने जवान का भी बताया, पठान का भी बताया। वेल दोस्तों मैं इस कॉर्पोरेट बुकिंग में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना पता है कि अगर कॉर्पोरेट बुकिंग हो रहा होता तो शायद टाइगर 3 के कलेक्शन जवान की तरह होते, पठान की तरह होते, इनफैक्ट गदर 2 की तरह होते। लेकिन दोस्तों टाइगर के कलेक्शन ऐसे आ रहे हैं कि भाई एवरेज एवरेज आ रहे हैं। हालांकि इस बीच हम ये समझ सकते हैं कि फेस्टिवल का टाइम था, वर्ल्ड कप का मैच का सिनेरियो चल रहा है, इनफैक्ट दोस्तों सेमीफाइनल का मैच बीच में आया, वर्ल्ड कप का मैच बीच में आ रहा है, उसके बावजूद भी सल्लू भाई ने बोल दिया है कि कलेक्शंस फाड़ू चल रहे हैं। अब सल्लू भाई ने बोल दिया है कलेक्शंस फाड़ू है, तो भैया फिर किसी के स्टेटमेंट की हमें जरूरत नहीं है। बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रदर्शन कर रही है फिल्म है। और आपको अपडेट दूं दोस्तों, अपडेट सुनो आप भाई साहब, आज है सातवां दिन, और सातवें दिन भाई साहब आईएमडीबी पे भाई साहब 10 में से 8 स्टार की रेटिंग आ रही है आईएमडीबी पे। जी हां, इसके अलावा दोस्तों 6 दिनों में 200 करोड़ का तो इंडियन नेट कलेक्शन हो चुका है। एडवांस बुकिंग में इस फिल्म ने आज 4 करोड़ का कारोबार कर लिया है। वहीं दोस्तों 1,70,000 टिकट बिक चुके हैं, सोल्ड आउट हो चुके हैं, साथ ही साथ 100% का जंप, एंड आज का कलेक्शन लगभग 20 से लेकर 23 करोड़ का उम्मीद किया जा रहा है। दोस्तों मैच का टाइम है, फिर भी यार ऐसे ह्यूज कलेक्शन कर रही है फिल्म, विच इज अमेजिंग दोस्तों। इजिप्ट में फाड़ू चल रहा है, एंड दोस्तों आपको बता दूं कि जो 24 घंटे में, जी हाँ 24 घंटे में बुक माई शो पर जो टिकट सोल्ड हुआ है 1,92,700 का टिकट सोल्ड हुआ है, विच इज अमेजिंग दोस्तों। मतलब आज है सैटरडे दोस्तों, और क्योंकि मैंने बताया ना कि मॉर्निंग की ऑक्युपेंसी थोड़ी कम होगी, लेकिन इवनिंग और नाइट की ऑक्युपेंसी आज बहुत सॉलिड होगी। कल कुछ लोग बोलेंगे कि यार संडे था, कलेक्शंस कम क्यों आया, भाई लोगों पहले बता दूं कल है वर्ल्ड कप का मैच, ठीक है। इनफैक्ट मेरी वीडियो भी नहीं चलेगी कल वर्ल्ड कप के मैच में, तो सलमान खान की फिल्म को देखने के लिए कौन जाएगा थिएटर में यार, भाई वर्ल्ड कप का मैच है, लोग घरों में बैठ के वर्ल्ड कप का मैच देखेंगे। तो दोस्तों कल का कलेक्शन भी लगभग इतना ही होगा, अगर 20 करोड़ भी कल का कलेक्शन
आता है संडे को, आठवें दिन भी, तो भाई साहब आप बिलीव करो बहुत ही सुपर कलेक्शंस है। क्योंकि एक बार ही वर्ल्ड कप मैच खत्म हुआ, इट मींस फेस्टिवल खत्म, उसके बाद दोस्तों वापस से नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा मंडे। देन दोस्तों अगर मंडे से लेकर नेक्स्ट फ्राइडे या नेक्स्ट वीकेंड तक भी ये फिल्म महज 10-10 करोड़ भी कमा लेगी तो भी अच्छा परफॉर्म करेगी। हालांकि दोस्तों अभी तक जो टोटल कलेक्शंस आए हैं आपको बता दूं कि फर्स्ट डे का 44.50 करोड़ का आया था हिंदी तमिल तेलुगु भारत के अंदर इंडिया नेट का बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों सेकंड डे का 59.25 करोड़, थर्ड डे का 44.30 करोड़, चौथे दिन ड्रॉप देखने को मिला 21.10 करोड़, पांचवें दिन 18.5 करोड़, छठे दिन 14.10 करोड़। वेल दोस्तों आपको बता दूं कि कल मेरे पास जो रिपोर्ट आई थी 10.33 करोड़ की आई थी छठे दिन की, लेकिन मैंने कहा था कि ये भी फाइनल फिगर आना बाकी है। ऑफिशियली ये फिल्म ने 14.10 करोड़ का कलेक्शन किया है दोस्तों अपने छठे दिन। आज है सातवां दिन, सातवें दिन उम्मीद की जा रही है कि 17 से लेकर 23 करोड़ तक का एक नंबर आ सकता है, होपफुली 20+ करोड़ का कारोबार करे तो बेहतर होगा फिल्म के लिए भी। इंडिया नेट में 6 दिनों का 200 करोड़ का कारोबार करती हुई नजर आ रही है, आज का मिला लूं तो 220 करोड़ के आसपास का कलेक्शंस होता हुआ नजर आ रहा है 7 दिन का मिलाकर। एंड दोस्तों ओवरसीज का वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की बात करूं तो 350 से भी ऊपर का कारोबार कर चुकी है। लेकिन सबसे सोचने वाली बात है, चिंता का विषय यह है कि इस फिल्म को 350 करोड़ का इंडियन नेट कलेक्शंस पार करना जरूरी है, क्योंकि गदर 2 ने लगभग 525 करोड़ का हिंदी में इंडियन नेट कलेक्शंस किया था, पठान ने 524 करोड़ का और जवान ने 600 करोड़ का इंडियन नेट में कलेक्शंस किया था। वेल दोस्तों अगर टाइगर 3 350 करोड़ का भी इंडिया नेट नहीं कर पाती है तो इस फिल्म को लॉस होने की पूरी उम्मीद हो सकती है, क्योंकि फिल्म का बजट ह्यूज है, 300 करोड़ की लागत की फिल्म है। और वेल दोस्तों आज तो जंप देखने को मिला है, आई बिलीव कि दोस्तों आने वाले जो नेक्स्ट वीक है उसमें भी अच्छा जंप देखने को मिले, अच्छा कलेक्शन बटोरे, तभी दोस्तों कुछ बात बन पाएगी। और टाइगर 3 जो अहम फिल्म मानी जाती है यशराज की स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, जी दोस्तों वो फिल्म अच्छा परफॉर्म करेगी तो आने वाली फिल्म टाइगर वर्सेस पठान एंड दोस्तों वॉर 2 को भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। वेल दोस्तों क्या कहते हो, क्या टाइगर 3 फिल्म में 500 करोड़ भी इंडिया नेट में पार कर पाएगी, क्या टाइगर 3 ग्रॉसर फिल्म बन पाएगी, 1000 करोड़ पार कर पाएगी लाइक जवान लाइक पठान? वेल दोस्तों क्या लगता है, टाइगर 3 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके बताओ। एंड दोस्तों जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं, जी हां दोस्तों कमेंट करके बताइए, और अपने भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या लगता है दोस्तों आज का थिएटर का रिस्पॉन्स क्या है, आपने आपके आजू बाजू में जो भी थिएटर होंगे दोस्तों वहां पे कैसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं कमेंट करके बताओ। क्या सिंगल थिएटर में दोस्तों फायर हुआ पड़ा है, आग लगी पड़ी है, जनता का प्यार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कमेंट करके बताओ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, एंड प्यार देते रहिए, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच, हिंदुस्तान जिंदाबाद।